नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ कर्क लगन व धनु राशि के लिए वर्ष 2025 का वार्षिक राशिफल। सबसे पहले आपको नववर्ष की बधाई कि वर्ष 2025 आपका शुभ जाए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों और माता रानी की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि कर्क लगन व धनु राशि का क्या अर्थ है। यह आपकी लगन कुंडली है, पहले भाव में 4 नंबर लिखा है, इसका अर्थ है आपका कर्क लगन। चंद्रमा जो है छठे भाव में बैठा है, 9 नंबर में, इसका अर्थ है आपकी धनु राशि। यानी आपका कम्बिनेशन अगर कर्क लगन व धनु राशि का बनता है तो आप ये वीडियो देखकर लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले हम देखें कि कर्क लगन व धनु राशि में ग्रहों की स्थिति क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, धनु राशि में शनि महाराज इस समय तीसरे भाव में चल रहे होंगे वर्ष के आरंभ में, लेकिन 29 मार्च 2025 को शनि महाराज चंद्रमा से चौथे हो जाएंगे, जिसके कारण धनु राशि पर लग जाएगी शनि की ढैया। तो अगर आपका कर्क लगन व धनु राशि है तो ध्यान रखिए कि धनु राशि पर 29 मार्च 2025 से आने वाले 2.5 साल के लिए शनि की ढैया लग रही है। अब हम ग्रहों की स्थिति देखें। कर्क लगन से देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो वर्ष के आरंभ में वो पॉजिटिव होंगे 1 जनवरी से लेकर 13 मई तक। उसके बाद वो नेगेटिव हो जाएंगे 14 मई से लेकर 20 अक्टूबर तक, और उसके बाद थोड़े से सही स्थिति में आ जाएंगे 20 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक, जब गुरु आपके लगन पर आ जाएंगे। इस वर्ष के आरंभ में शनि महाराज कर्क लगन से अष्टम में चल रहे होंगे, लेकिन 29 मार्च के बाद कर्क लगन से शनि महाराज भाग्यवाब में आ जाएंगे। राहु जो कि भाग्यवाब में चल रहे थे वो 30 मई को अष्टम में आ जाएंगे और केतु आ जाएंगे आपके धनवाब पर। धनु राशि पर शनि की ढैया शुरू ही हो गई। देवगुरु बृहस्पति वर्ष के आरंभ में छठे होंगे 1 जनवरी से 13 मई तक, और 14 मई से वो सप्तम भाव में आ जाएंगे जहाँ से उनकी दृष्टि लगन पर हो जाएगी। तो 14 मई से 20 अक्टूबर तक गुरु बहुत शुभ रिजल्ट देने वाले हैं, और 20 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक धनु राशि से गुरु अष्टम में रहेंगे जो थोड़े नेगेटिव रहेंगे। 30 मई से राहु तीसरे भाव में और केतु आपके भाग्य भाव में रहेंगे। ये ग्रहों की स्थिति है। अब हम बात करें कि हमारा कर्क लगन व धनु राशि है तो वर्ष 2025 में कैरियर के लिए हमारा लिए शुभ समय कौन सा निकल कर आता है। तो वर्ष के आरंभ में ही आपको शुभ समय मिल रहा है। इस वर्ष 1 जनवरी से लेकर 20 अक्टूबर 2025 तक, यानी 1 जनवरी से लेकर 19 अक्टूबर 2025 तक आपके पास लगातार समय है। जब आपको कैरियर से जुड़ा कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो आप जनवरी से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में ले सकते हैं। ये वर्ष ऐसा है कि आपको कैरियर में नए अवसर मिलेंगे। आप जॉब की तलाश में थे, जॉब मिल सकती है। वर्तमान जॉब को आप बदल सकते हैं, वर्तमान जॉब में आपकी प्रमोशन हो सकती है, और इस वर्ष आपके ट्रांसफर की भी संभावना बनती है। कई बार क्या होता है, हम जॉब बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन हमें जॉब नहीं मिल पाती। अगर आपके संग इस साल ऐसा हो कि आपको जॉब नहीं मिल पा रही तो ग्रहों की स्थिति इस बात का संकेत देती है कि आप ना स्थान परिवर्तन करिए। आप स्थान परिवर्तन करेंगे तो आपको फौरन जॉब मिल जाएगी, क्योंकि रीजन क्या है कि कर्क लगन से 14 मई के बाद आपका भाग्येश जो है द्वादश में चला जाएगा। भाग्येश का द्वादश में जाने का अर्थ है कि आपका भाग्य दूर स्थान पर उदय होने का संकेत आ रहा है। तो इसलिए अगर आपको जॉब नहीं मिल पा रही तो आप स्थान परिवर्तन करिए, आपको जॉब मिल जाएगी। जो विदेश जाकर यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए काफी अच्छा समय है। आप व्यापारी वर्ग से हैं, कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, कुछ नया आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है जो आप 2025 में करना चाहते थे, उसके लिए शुभ समय है जनवरी से लेकर 20 अक्टूबर 2025। इस वर्ष आपकी आय में बढ़ोतरी की संभावना आ रही है कि जो आपकी वर्तमान इनकम है उसमें बढ़ोतरी होगी। या तो आपको ऐसी जॉब मिलेगी जिसमें सैलरी ज्यादा हो, या वर्तमान जॉब में आपकी प्रमोशन या इंक्रीमेंट हो सकता है, या कोई ऐसा व्यापार शुरू हो सकता है जिसमें लाभ की संभावना ज्यादा है। अब आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो जो दंपत्ति संतान प्लान करना चाहते हैं संतान प्लान कर सकते हैं। जो अपने विवाह के इंतजार में थे उनका 14 मई के बाद विवाह तय हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए वर्ष अच्छा जाने वाला है, और कर्क लगन व धनु राशि के जो जातक प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं उनके लिए वर्ष बड़ा शानदार है। प्रॉपर्टी में निवेश करने का, मकान खरीदने का ये बहुत अच्छा समय है, और ये समय आपका जो है 14 मई से शुरू हो जाएगा। यानी आप आराम से इस वर्ष प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। बाई चांस आपकी कुंडली में मंगल गुरु और शुक्र की दशांत दशा चल रही होगी तो वर्ष जैसे मंगल की गुरु की या शुक्र की दशांत दशा चल रही होगी तो प्रॉपर्टी में निवेश करके आपको और अधिक लाभ होने वाला है। अब हम बात करें कि इस वर्ष हमें सावधानी क्या क्या रखनी है। तो पहली सावधानी की बात करें कैरियर को लेकर, तो कैरियर में हमारे लिए सावधानी का समय आता है 20 अक्टूबर 2025 से लेकर 4 दिसंबर 2025 के बीच में। इस अवधि में आपको अपने कार्यस्थल पर वाद विवाद से बचना है, कार्यस्थल पर किसी प्रकार के तनाव से बचना है, उच्च अधिकारी आपके नाराज हो सकते हैं। और कैरियर में सावधानी का अर्थ यह है कि 20 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर के बीच में आपको कैरियर से जुड़ा किसी प्रकार का जोखिम नहीं लेना। एक तो जॉब चेंज नहीं करना, जो जॉब कर रहे हैं उसे करते रहें, व्यापार में किसी बड़े जोखिम को लेने से बचें। यानी कई बार ऐसा होता है हम अचानक कोई जोखिम ले लेते हैं और समय हमारे अनुकूल नहीं होता,
तो कैरियर में कोई भी डिसीजन लेना हो वो लेने का समय जनवरी से लेकर 20 अक्टूबर 2025 है, और 20 अक्टूबर के बाद आपको सावधानी रखनी है। 20 अक्टूबर से 4 दिसंबर के बीच में आपको कैरियर से जुड़ी किसी प्रकार की जोखिम नहीं लेनी, कैरियर में सावधानी रखनी है, वाद विवाद से अपने को बचा के चलना है। दूसरी बात, इस वर्ष क्या स्थिति रहेगी कि 14 मई 2025 से पहले तो कर्क लग्न से गुरु आपका 12वां होगा, और फिर 20 अक्टूबर से धनु राशि से गुरु आपका 8वें में होगा। यह इस बात का संकेत दे रहा है कि अगर आपका 14 मई से लेकर दिसंबर तक अगर आपके कोई कोर्ट केस की डेट आती है तो उस कोर्ट केस की में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरा, किसी से भी कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए 14 मई से दिसंबर के बीच में, उस लड़ाई झगड़े को आगे बढ़ावा मत दीजिए, किसी प्रकार के विवाद में अपने को मत डालिए। कई बार होता है हमको लड़ाई झगड़ा हो जाता है, हम फौरन कहते हैं मैं तो तुझ पे केस कर दूंगा, वो मत करिए। अगर आप किसी पुलिस केस में फंसे तो बुरी तरह फंसेंगे, और बाई चांस आपकी कुंडली में गुरु की दशा और अंतरदशा चल रही होगी तो नेगेटिविटी और ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए व्यर्थ के वाद विवाद से अपने को बचाइए, और अगर आज 14 मई से लेकर दिसंबर के बीच में आपकी कोर्ट केस की डेट आती है तो उसमें भी सावधानी रखने की जरूरत है। ये वर्ष माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता दिखा रहा है, क्योंकि धनु राशि से शनि महाराज की ढैया शुरू हो चुकी है, तो माता के स्वास्थ्य की तो वैसी चिंता ही है, और साथ ही साथ पिता के स्वास्थ्य की भी चिंता है। इस वर्ष आप अगर भू संपत्ति से जुड़ा कोई भी डील करते हैं, प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई भी डील करते हैं, या आपकी कोई पुरानी डील चल रही थी, आपने को पुराने समय में कोई डील करी थी, तो उसमें किसी प्रकार का विवाद होने की संभावना है। इस वर्ष ध्यान रखिएगा, 2 ग्रह ऐसे हैं जिनकी अगर दशा अंतरदशा चल रही होगी तो इस वर्ष आपको विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। वो 2 ग्रह हैं, एक तो राहु और एक गुरु। कर्क लग्न से राहु 8वें में रहेंगे 30 मई 2025 से, और धनु राशि से गुरु 8वें में रहेंगे 20 अक्टूबर 2025 से, और 14 मई से कर्क लग्न से गुरु 12वें में रहेंगे। तो अगर इस वर्ष आपकी राहु की महादशा या अंतरदशा, गुरु की महादशा या गुरु की अंतरदशा आती है, तो आपको विशेष सावधानी रखने की जरूरत है, और हमें राहु और गुरु की कोई ना कोई रेमेडी जरूर करनी पड़ेगी। कुटुंब से जुड़े मामलों में सावधानी, कुटुंब में किसी प्रकार का विवाद हो सकता है। कर्क लग्न से कुटुंब के भाव में केतु चल रहा है, आपकी वाणी कटु हो सकती है जिसके कारण लोग आपके नाराज हो सकते हैं, और थोड़े क्योंकि धन के भाव में केतु आ गया तो इस वर्ष इनकम तो होगी लेकिन साथ ही साथ खर्चे बहुत होंगे, क्योंकि राहु केतु कैसे ग्रह जब धन भाव से संबंध बनाते हैं तो आपकी खर्चे बढ़ा देते हैं। तो ओवरऑल मेरा ये विचार है कि अगर आपका कर्क लग्न व धनु राशि है तो वर्ष 2025 आपके लिए 58% तक बढ़िया जाने वाला है। अब इस वर्ष हमें रेमेडी क्या क्या करनी है। देखिए, धनु राशि पर शनि की ढैया चल गई है तो हमें शनि महाराज का उपाय तो करना है। शनि महाराज के उपाय के तौर पर एक तो हर शनिवार को आपको करना है छायादान। इसके अलावा आप शनि से जुड़ी वस्तुओं का भी दान कर सकते हैं, काले कपड़े का, उड़द का, लोहे की वस्तुओं का। और आपको शनि की ढैया में लगे कि कामों में कुछ परेशानी आ रही है, काम आपके सही ढंग से नहीं चल रहे, आपकी कोई मनोकामना है इसकी पूर्ति नहीं हो रही, तो आप 8 शनिवार को हनुमान जी को चोला भी चढ़ा सकते हैं, उससे भी आपके कार्य की सिद्धि भी हो सकती है। इसके अलावा शनि महाराज को शांत करने की एक बहुत अच्छी रेमेडी ये भी है कि आप हर सावन के महीने में एक रुद्राभिषेक करा दें, वो भी रेमेडी बहुत अच्छी है, चाहे शनि की ढैया हो या शनि की साढ़े साथी हो। इसके अलावा क्योंकि राहु 8वें में चल रहा है तो हमें राहु की रेमेडी करनी है। राहु के लिए आप वैद्य पानी में कोल्हे प्रवाहित कर सकते हैं बुधवार या शनिवार को। मंदिर में 4 मूली का दान कर सकते हैं, मूली के हरे पत्ते हटा लीजिएगा, सफेद हिस्से का दान करना है, कुत्ते को रोटी खिलाइए। इसके अलावा केतु की रेमेडी के लिए आप बुधवार को गणेश जी के मंदिर में कमल का दान कर सकते हैं और 4 नीम के पेड़ लगा सकते हैं। इस वर्ष गुरु का गोचर कुछ नेगेटिव रहेगा तो हमें गुरु की रेमेडी करनी है, तो उसके लिए आपको गुरुवार को पीली वस्तु का दान देना है। अब वो पीली वस्तु चने की दाल हो सकती है, हल्दी हो सकती है, पीला कपड़ा हो सकता है, और रोज गाय को रोटी दीजिए और गुरुवार को भीगी हुई चने की दाल गाय को खिलाइए। इस तरीके से आपको गुरु का, शनि का, राहु और केतु की रेमेडी करनी है। इस तरीके से अगर आप रेमेडी करेंगे तो कर्क लग्न व धनु राशि के लिए वर्ष 2025 58% तक बढ़िया जाने वाला है। पुनः आपको नववर्ष की बधाई। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था, आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें जिससे जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।